नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति वाड़ोदरिया। टेक्निकल बालाजी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटिंग और प्रिंट सेटिंग कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले पेज सेटिंग देखते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा पेज लेआउट टैब पर। पेज सेटअप के पास दिखेगा आपको एक एरो, उसके ऊपर क्लिक करना है तो पेज सेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको तीन टैब दिखेंगे, मार्जिन, पेपर और लेआउट। हमें सबसे पहले पेपर की साइज को सेटिंग करना है तो इसके लिए हमें जाना होगा पेपर टैब पर। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा पेपर साइज, इसमें आप जो भी पेपर की साइज रखना चाहते हो सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं A4 सिलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे उसकी विड्थ और हाइट आ जाएगी। उसके बाद हम पेज की मार्जिन को सेट करते हैं, इसलिए हमें जाना होगा मार्जिन टैब पर। और यहाँ आपको चारों मार्जिन दिख जाएंगी, टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट। टॉप मार्जिन इसे कहते हैं और यहाँ पे ए वाली मार्जिन है वो लेफ्ट है और यहाँ पे राइट वाली मार्जिन वो नीचे की तरफ बॉटम मार्जिन आपको मिलेगी। यहाँ पर आप टॉप मार्जिन देख रहे हैं 0.5 सेट की हुई है तो हम यहाँ पे 1 इंच की टॉप मार्जिन कर देते हैं, इसलिए हमें टाइप करना होगा टॉप मार्जिन पे 1 और उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। तो आप देख रहे हैं 1 इंच की मार्जिन हो गई। हम सबसे पहले मार्जिन किसे कहते हैं उसे समझ लेते हैं। तो जो मार्जिन वाला एरिया है उसमें आप कोई भी वर्ड टाइप नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं ये टॉप मार्जिन है, यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन है और यहाँ पर राइट और नीचे बॉटम। तो इस वाले भाग में आप कोई भी वर्ड टाइप नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो बीच वाला एरिया है इसमें मैंने एक बॉक्स रख दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो इस बॉक्स में आप कोई भी वर्ड टाइप कर सकते हो। इस बॉक्स रखने की आपको टाइपिंग की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है। तो इसके बाहर का जो एरिया है उसे हम मार्जिन कहेंगे और इसमें आप कोई भी वर्ड टाइप नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे आपको दो प्रकार दिख रहे हैं, इसमें पहला है पोर्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप। अगर आप पेज को सीधा छपना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट सिलेक्ट रखें और अगर आप पेज को आडा छपना चाहते हैं तो लैंडस्केप सिलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं अभी पोर्ट्रेट ही रखता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों ये हुआ पेज सेटिंग। पेज सेटिंग हमेशा कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने से पहले सेट कर लेना चाहिए ताकि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने में आसानी रहे। अब हम देखेंगे प्रिंट सेटिंग। तो इसके लिए आपको लैपटॉप कॉर्नर पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आइकन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसमें आपको प्रिंट पर जाना है और यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू सिलेक्ट करना है। दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू में जैसा भी पेज दिखेगा वैसा ही प्रिंटर के द्वारा प्रिंट होगा। यहाँ पे अगर आपको कोई भूल हुई हो तो आप प्रिंट निकालने से पहले उसे सुधार सकते हैं, तो इसके लिए प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिया गया है। अब हम प्रिंट के ऑप्शन को देखेंगे, इसलिए यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले हमको प्रिंटर को चूज करना होगा तो इसलिए यहाँ पे प्रिंटर नेम से हम कोई भी एक प्रिंटर को चूज कर लेते हैं। तो देख लीजिए अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रिंटर होंगे तो यहाँ पे दिखाई देंगे। आप जो भी प्रिंटर से प्रिंट निकालना चाहते हैं वो प्रिंटर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे फॉक्सीट रीडर PDF प्रिंटर को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे कंप्यूटर में कोई भी प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है। अब हम देखते हैं पेज रेंज। पेज रेंज में 3 ऑप्शन है, ओल्ड, करंट पेज और पेजेस। मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में 10 पेजेस है और आप सभी पेज की प्रिंट निकालना चाहते हैं तो ओल्ड सिलेक्ट करिए। अगर मान लीजिए आप 5वें पेज पर है और सिर्फ 5वें पेज की प्रिंट निकालना चाहते हैं तो करंट पेज को चूज कीजिए। और पेजेस में कई सारे ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके 10 पेजेस में से आप दूसरा, तीसरा और 5वां पेज निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा 2, उसके बाद कोमा, फिर 3, फिर कोमा और फिर 5 और उसके बाद आप ओके कर देंगे तो दूसरा, तीसरा और 5वां पेज प्रिंट होगा। और मान लीजिए आप पेज को सीरीज में प्रिंट करना चाहते हैं 2 से लेके 5 तक तो आप यहाँ पे टाइप कीजिए 2 और उसके बाद 10 और उसके बाद 5, तो दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पेज प्रिंट होगा। उसके बाद अगर आप दूसरा पेज और 5 से लेके 7 तक की प्रिंट निकालना चाहते हैं तो फिर टाइप कीजिए 5 और उसके बाद 10 और उसके बाद 7, तो दूसरा, पांचवा, छठा और 7वां पेज प्रिंट होगा। वैसे आप पेजेस से अलग अलग पेज प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कॉपीज। तो नंबर ऑफ कॉपीज में आप कितनी कॉपीज निकालना चाहते हो वो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। मान लीजिए हम यहाँ पे 2 कॉपीज रखते हैं तो इसके लिए टाइप करेंगे 2 और यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी बता रहा है। तो मान लीजिए हमारे डॉक्यूमेंट में 3 पेजेस है तो कैसे कॉपी निकलेगी वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो 2 कॉपीज हमने सिलेक्ट की है इसलिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है पहला पेज 2 बार निकलेगा, उसके बाद दूसरा पेज 2 बार निकलेगा और उसके बाद तीसरा पेज 2 बार निकलेगा। अगर आप कलेक्ट पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं प्रीव्यू में पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज, फिर पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज, जैसे सीरीज में आपको प्रिंट निकाल के देगा। तो ऐसे आप अलग अलग ऑप्शन सिलेक्ट करके अलग अलग प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंट वोट। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट ही रहने देते हैं,
इसके बाद ऑप्शन आता है प्रिंट। प्रिंट में ऑल पेजेस इन रेंज डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा। अगर आप ऑड पेजेस और इवन पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहां से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप ऑड पेजेस सिलेक्ट करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट में 10 पेजेस है तो वो निकाल के देगा 1, 3, 5, 7 और 9। अगर आप इवन पेजेस सिलेक्ट करते हैं तो 2, 4, 6, 8 और 10 ऐसे एक ही संख्या में प्रिंट निकाल के देगा। ऑड में एक ही संख्या में प्रिंट निकाल के देगा। और यहाँ पे हम डिफॉल्ट ऑल पेजेस इन रेंज ही रहने देते हैं। और उसके बाद ऑप्शन आता है जूम। तो यहाँ पे लिखा है पेजेस पर शीट। अगर आप एक पेज में एक से ज्यादा पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे डिफॉल्ट है 1 पेज। अगर आप एक पेज में 4 पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो उसका सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है स्केल टू पेपर साइज। तो अभी जो हमारा पेपर है वो A4 साइज में है और हमें उसे स्केल करके थोड़ा लंबा करना है तो हम उसे लीगल करके थोड़ा खींच के लीगल पेज में प्रिंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप उसे छोटा भी कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट है वो लीगल में है और आप उसे A4 में प्रिंट करना चाहते हैं तो उसका स्केल घटा के आप A4 में भी उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो सभी सेटिंग हो जाने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है तो पेज ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटिंग और प्रिंट सेटिंग कैसे करते हैं। आपको ये माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।